अज मैं ताकि कहानी बुधा थी शिव भगवान और धनारेश्वर जो अवतार छो वर्तव। योग प्रकृति में शिव भगवान के भगवान न पर गुरु जे रूप में मनो विवाह है। चवंदाइन कि शिव भगवान पेण्या गुरु हुआ एहनन जा सत्त शिष्य था। हु सप्त ऋषि कहलाया। उनन में अगस्त्य ऋषि ए ब्या हुंदा भृगु ऋषि। जेके भृगु ऋषि हुआ वो भगवान जे भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हुआ। वो रोज सुबह जो अची शिव भगवान जी परिक्रमा करे वो ही पेंजे दिए जी शुरुआत कंदा हुआ। ये उनन जो नितनेम हो कि वो सुबह जो इंदा हुआ ए शिव भगवान जा टे चक्कर लगाए पेंजी परिक्रमा पूरी करे है पेंजे दिए जी शुरुआत कंदा हुआ। तदी घणी दफा पार्वती माता भी उते बैठी हुंदी हुई पर वो कभी भी पार्वती माता जे चक्कर न लगाईंदा हुआ। तो एक दफो पार्वती माता शिव भगवान सा गड़ी वेठा हुआ तो भृगु ऋषि जो शिव भगवान के चक्कर लगाया मुमकिन न होयो। तो उन्हें पार्वती माता का के उता हटन लाए चाहिए। तो पार्वती माता के थोड़ो बुरो लगो वो उता न था हटन। तो भृगु ऋषि हिकरे कुएं जो रूप खणी करे उन्हें जे पेरुन जे अग्या पुठे चक्कर लगाए पेंजी परिक्रमा पूरी कयों। ही डिसी करे शिव भगवान के भी थोड़ो सुठो न लगो छो तो पार्वती माता हुनन जे पासे में ही बैठी हुई। तो शिव भगवान वो पार्वती माता के पेंजे हंजे में विहारे ए पो डिसन चाहियो कि हाने ही किए ता चक्कर लगाए में। तो जे ही पार्वती माता के हंजे में विहारे तो भृगु ऋषि हिकरे पक्षी जो रूप धारण करे शिव भगवान जे मथा परिक्रमा करण लगा। ही डिसी करे वरी शिव भगवान के थोड़ो सुठो नथो लगे तो पो पार्वती माता के पेंजो अध रूप पार्वती माता में समाहित करे अर्ध नारेश्वर था। ए पो वो डिसन चाहिंता कि हाने भृगु ऋषि छाता कन। तो भृगु ऋषि एकरो मधुमक्खी जो रूप धारण करे सिर्फ उनन जे पेर जे परिक्रमा करे पेंजी परिक्रमा पूरी था कन। पर शिव भगवान के ही डिसी सुठो नथो लगे। वो न चाहिंदा हुआ कि प्रकृति में ये नर ए नारी जी में ही भेदभाव थे। तो वो सिद्धासन जी स्थिति में वही था रवन जी। तो उनका पो संभव ही कान हो कि शिव एंड पार्वती बिन्हीं जा परिक्रमा न थे। तो इन कर शिव भगवान अर्धनारेश्वर जो रूप अपनाए हो। जय झूलेलाल। अगर कहानी पसंद आई हुए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कजो। जय झूलेलाल।